Welcome to News Bearer. Good morning. Our top story tonight comes from a press meet held earlier today by senior BJP leader Joydesh Fongyu. In a major development in regional politics, senior BJP leader Joydesh Fongyu has publicly addressed growing concerns within the party. During a press meet today, Fonglo cited significant differences emerging between key members of the party, urging senior BJP leadership to take immediate action. He called for restraint and unity, emphasizing the need for resolving these internal differences before they affect the party's future prospects. Fonglo stated that such disagreements, if left unaddressed, could weaken the party's standing. Let's hear a brief clip from his statement. Thanks for watching. Misuse and mismanagement of executive power or judiciary power of our autonomy. Sixth schedule ka andar jo gitta uska bhi hai. Aur jo jitna department hai uska interested department ka DDO log bhi thoda bahut pressure wo log mil raha hai bola ki kiska baat suno ya na suno. कैसे गवर्नमेंट का काम आगे बढ़ा सके ऐसा कुछ किसी का कहने पर करेगा ना किसका पर कहने पर करने से वो खराब लगता है या किसी को सुनने से वो दूसरा वाला खराब लगता है उसे लेके है। और दूसरा बात तीसरा हो गया एक पब्लिक कंप्लेन जो होता है डिमासो का स्पेशल एक पॉलिटिकल सिनेरियो ही बोलेगा बोलने से आपस में जो खुला बोलने में सब डर लगता है तो ये खुला हम बोल देंगे एक दो बात आपस में वो जो झगड़ा होता है वो लोग क्या होता है एक लीडर खराब हुआ किसी का खराब किसका फेवर हम बोलने नहीं मांगा लेकिन आपस में लड़के आप लोग क्या मिलेगा वही बात है तो एक्चुअल पॉइंट में आता हूँ जो अभी फिलहाल जो है जो भी होने दो कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट नहीं मिल रहा है एक नंबर बात बोलने से बिजनेसमैन को अच्छे से बिजनेस नहीं कर पा रहा है सलाह नहीं पा रहा है ओवरऑल एक हपलोंग बोल के भी नहीं है डिमासो में चाहे आप माईबांग उमरांग सो माहूर हपलोंग हरंग जाओ लंगटिंग जहाँ पे भी बोलो आप तो ऐसा है और आप लोग पूछिए थोड़ा बहुत हम आप लोग पूछने से बोल देंगे क्या क्या मेन पॉइंट हम बता दिए आप लोग को बीजेपी में तो है अभी भी लेकिन आज का स्पेशल जो है वो बीजेपी या कांग्रेस किसी को पार्टी को लेके ऐसा कोई बात नहीं है पार्टी के ठीक है पार्टी का बीच में मिल नहीं है वो तो हाई अथॉरिटी का बात है हाई कमांड का बात है देखो हम लोग जो पार्टी का बीजेपी के लिए जो काम करना है हम लोग कर रहे हैं और आपस में अभी काम करते करते तो आज क्या है अब 2014 से कर करके अभी 24 है 10 साल तो रनिंग हो चुका है ऑलमोस्ट 11 साल पार होने वाला है लेकिन हम लोग भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है आज ऐसा भी है कि डिमासो बीजेपी में हम खराब किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी वोट है अपना पार्टी का बीच में डिमासो सीनियर बीजेपी ऐसे बोल के भी है और फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है उसका अलग सा है और कोई एक आपका टीम का कोई एक ए वाला टीम का या कोई बी वाला टीम का ऐसा भी है आप लोग भी सुनता होगा हम जितना सुनने मिलता अभी तो पब्लिक भी सब सुनने मिलता हम जो सुनने मिला आप लोग भी सुनने मिला होगा कि आपस में ऑनरेबल सीएम सर का एक ग्रुप है बोलता है एक मिनिस्टर मैडम का एक ग्रुप है बोलता है लेकिन पार्टी तो एक ही है ऑफिस एक ही है हाँ फोर्स एक ही है प्रेसिडेंट का तो कैसे हो सकता है इसलिए लीडर लोगों को भी एक मेरा कोई सजेशन ऐसा बार नहीं है एक मेरा पर्सनल व्यू है वही है आप लोग आपस में ऐसा नहीं होने से ठीक है भी बात है अगर चलता रहेगा 26 एमएलए तो छोड़ो अभी एमएलए का तो बहुत दूर की बात है ठीक है वो इलेक्शन आने पर वो पार्टी हाईकमान से क्या डिसीजन लेगा नहीं लेगा वो पार्टी के ऊपर में डिसीजन लेगा लेकिन बात ये है कि अभी इलेक्शन तो अभी जब टाइम में आएगा तो इलेक्शन का बस आपका हवा अलग से बदल जाएगा लेकिन आप लोग आपस में बैठ के जो भी हो जो पब्लिक अभी कोई नहीं बोलता है लेकिन अंदर अंदर में जो आप लोग का बात लेके आप लोग का नाम लेके जो अंदर अंदर में जो कुछ जो बात चल रहा है जहाँ पे भी चल रहा है उस सबको आप लोग ठीक करने में आप लोग का ही दायित्व है हम तो वही समझते हैं सीएम सर का ग्रुप में कौन है और मैडम का ग्रुप में कौन कौन है आपको क्या नंदिता मैडम बोल के अभी फिलहाल तो ऐसा डायरेक्ट हम बोल नहीं सकता
और रिसेंट जो आप लोग भी देखा है, आजकल सोशल मीडिया का दिन है, डिजिटल है, तो रिसेंट फ्लैश हुआ था एक फोटो कितना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के साथ जो मिला था। हम लोग का काउंसिल का ही एम है, जो गवर्नेंस ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑनरेबल सीएम सर, हम लोग का काउंसिल का उसका रिक्वेस्ट से जो लेटर भेज के एक तो एम सब्जेक्ट एलोटेट हुआ इक्विवेलेंट टू एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट का हिसाब से, उसको डिपार्टमेंट वाला ही अपना वो काउंसिल का एग्जीक्यूटिव कमिटी वाला ही उसको बायलो करके जाके वहाँ पे मिला, ऐसा भी सुनता है ये। बट हम खाली अपना मुख से अभी बोला बोल के नहीं है, आप लोग जहाँ पे भी पूछो और पूरा डिमासो का पूरा पब्लिक मालूम है, सिर्फ डिमासो बोल के नहीं है, पूरा आसाम का लोग मालूम है। तो ऐसा होने से देखो इम्पेक्ट पब्लिक को होता है। कैसा किस टाइप का इम्पेक्ट हो रहा है पार्टी रूलिंग है, इवन दिल्ली स्टेट, इवन हम लोग का काउंसिल, तो ट्राई इंजन है। अभी पहला डबल इंजन बोला था लेकिन अभी ट्राई इंजन है। तो इसमें क्या होता है, कोई बेनिफिशियरी बस्ती में होता है, हम लोग का गांव गांव में हम लोग सर्व करना पड़ता है बीइंग ए पार्टी मेंबर। हम लीडर तो नहीं है लेकिन हम लोग कार्यकर्ता है, काम तो करना पड़ेगा हम लोग को, जो भी दायित्व देता है हम लोग काम करना है। बस्ती में एक क्या होता है, गांव लेवल में, विलेज लेवल में, या बूथ लेवल में, या मंडल लेवल में क्या होता है, सिर्फ पार्टी का बोल के नहीं है, गवर्नमेंट का जितना तो स्कीम जो होता है बेनिफिशियरी स्कीम है, जो उसको लेके भी देखो, ये उसका आदमी है उसको मत करो, ये उसका आदमी है उसका मत करो, आप उसका काम क्यों करने दिया, उसको क्यों दिया, जो भी बेनिफिशियरी स्कीम है उस सब में मतलब इम्पेक्ट होता है पब्लिक को। आप लोग भी मालूम होगा ये सब, अपना पार्टी का बीच में ऐसा होने से कैसे होगा, वही सोच के हम भी आप लोग को बुलाया। इसलिए आप लोग ऐसा मान सकता है कि अभी तीन ग्रुप हो गए बीजेपी में? तीन ग्रुप मतलब कैसे? एक सीएम सर का ग्रुप, एक धनिका मैडम का ग्रुप, और एक बीच का जो लोग दोनों ग्रुप में चला जाता। दोनों ग्रुप में नहीं है बोल के देखो, वही है हम बोलने वाला बात, सीनियर बीजेपी बोल के एक तो अच्छा ग्रुप खुल दिया। बात हो गया, देखिए 2024 का जनवरी तो मिनिस्टर वर्सेस सीएम रहा, हाँ, काउंसिल में कोई फैक्शन नहीं रहा, नहीं रहा, लेकिन आज का दिन में हम लोग जो देखा, जो काउंसिल के बीच में भी एक दो फैक्शन, वो तो सब मालूम है आप लोग, हम नाम भी ले लेता है ऑनरेबल सीएम जो है निरंजन सर जो है, उसका एक टीम बोल रहा है और एक अलग सा वो ऑनरेबल सीएम सर का टीम बोल रहा है। कारण क्या? कारण तो वो लोग को मालूम होगा, हम लोग तो खाली सफर कर रहे हैं ना अभी, तो उसी को लेके हम भी तो पब्लिक चुपचाप बोल रहा है, इसलिए हम ताकि जनता जान सके, पब्लिक भी वॉइस कर सके कि अगर वो लोग खुद से जुड़ने नहीं सका तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करके एक पार्टी लेवल में या डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट अगर नहीं सका तो स्टेट लेवल का प्रेसिडेंट को भी एक लेटर लिखना चाहिए कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में पार्टी चलाने के लिए ऐसा काम चल रहा है, तो हम लोग कैसे पार्टी का काम करेगा या पब्लिक कैसे वो भुगतना पड़ेगा, भुगत रहे हैं अभी। पार्टी हाईकमान तो ये बाहर मतलब दिमाग का जो पॉलिटिकल जो अभी क्राइसिस जो चल रहा है, क्राइसिस ही बोलेगा उसको लेकर, तो स्टेट हाईकमान भी अवेयर है, मालूम है इसको, उसको मालूम है बोल के हम लोग मालूम नहीं है, वो डिटेल्स हम अभी बोलने नहीं सकता, लेकिन बात यह है कि उसको चीफ मिनिस्टर लेवल तक या स्टेट लेवल तक मालूम है या नहीं, नहीं है वो सब डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी को वो लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं आप लोग को, क्योंकि हम तो अभी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी में तो नहीं है, कमिटी में है मेंबर, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव जो बोलता है, जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो वो लोग क्या डिस्कशन लेता है उस टाइम में तो हम तो बैठने नहीं सकता, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर लेवल तो यहाँ पे फैक्शन जो चल रहा है उसको मालूम है कि नहीं, वो स्टेटमेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी आप लोग को दे सकता है, क्योंकि मेरा भी इतना नॉलेज नहीं है। हम जितना सुनने मिला आज आप लोग का साथ जो बात करने वाला बात, तो ये है कि पब्लिक से हम बहुत सुना है, इधर भी सुनता, इधर भी सुनता, अब मार्केट में सुनता, ऊपर से प्राइस राइज, इवन डिपार्टमेंट का डीडीओ ऑफिसर लोग बोलता, या हम एमएससी का बात सुनेगा ना, जो डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ वो ईएम का बात सुनेगा, हम किसका बात लेके काम करेगा, आज तो कैसे बोलने वाला भी है, तो ऑफिसर भी प्रेशर मिल रहा है। जब एक तो डीडीओ, एक तो डिपार्टमेंट का ऑफिसर ऐसा प्रेशर मिलेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आज का शांति का दिन में ऐसा होने से आराम नहीं लगता, इसलिए जनता अगर आपस में लड़ने से आपस में बात करके कुछ नहीं होगा, अगर हम लोग का लीडरशिप लोग का बीच में अगर कुछ अंदर का कुछ फैक्शन है या कुछ फैक्टर का वजह से ये चल रहा है, तो हम हमारे स्टेट लेवल का जो पार्टी का हाई कमान है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स बोल के भी नहीं है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी सीनियर मेंबर लोग है, सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड पर्सन है और एक्सपर्ट बिजनेसमैन है, तो ये लोग लेके थोड़ा सा एक चर्चा होना चाहिए आप लोग को बुला के। तो
एक बेटा दो बाप हो गया, एक बेटा दो बाप ऐसा भी हम बोल नहीं सकता, लेकिन बात यह है एक बेटा दो बाप ऐसा ही है, मतलब दो आदमी का बात सुनना पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखो सपोज एज एन एग्जाम्पल हम नाम लेना पड़ रहा है, एक डीआरडीए का एक ईएम है सपोज, वो ईएम अलग से वो गवर्नर का अप्रूवल से ईएम अलॉट हुआ है। एक बेटा दो बाप ऐसा भी हम बोल नहीं सकता, लेकिन बात यह है एक बेटा दो बाप ऐसा ही है, मतलब दो आदमी का बात सुनना पड़ता है। हाँ, क्योंकि देखो सपोज एज एन एग्जाम्पल हम नाम लेना पड़ रहा है, एक डीआरडीए का एक ईएम है सपोज, वो ईएम अलग से वो गवर्नर का अप्रूवल से ईएम अलॉट हुआ है स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, तो वो ईएम को ओवरटेक करके फिर एक एमएससी एक काउंसिल का ही मेंबर वो आके एक रेस्पेक्टिव पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर या रेस्पेक्टिव बीडीओ डेवलपमेंट ऑफिसर उन लोगों को एक बार ईएम का तरफ से आता है, ईएम का वर्कर आता है, एक एमएससी का तरफ से आता है, तो डिपार्टमेंट भी तो वो गंडगोल होता है ना, किसका बात मान के चलेगा। आपस में एक पार्टी रूलिंग है, स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है और डिस्ट्रिक्ट में भी, तो आज 2016 से लेके आज तक है, ऑलमोस्ट 8 ईयर नाउ, तो ऐसा तो नहीं होना था। और क्यों हुआ सर, आप लोग देखो ऑनरेबल सीएम सर का टीम भी हम अभी बोलने नहीं मांगता, या निरंजन सर का टीम भी हम बोलने नहीं मांगता, जो भी हो आप लोग को चुना है डीमा हसाओ का जनता, आप लोग का दायित्व है डीमा हसाओ को एक रास्ता पे इकट्ठा करके, नॉट इवन खास क्रिस्ट एंड रिलीजन सबको एक साथ लेके आप लोग देखने का आप लोग का दायित्व है। ये अगर ये बीमार बढ़ते जाएगा और आप लोग का इमेज और भी खराब होते जाएगा, इसलिए आप लोग को भी हम मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, आज तक बैठा बैठा इतना दिन बैठा हम 6-7 महीने चुपचाप बैठा है, लेकिन और कितना दिन बैठेगा, आज और भी बैठेगा, 1 महीना बाद आप लोग आपस में झगड़ा होगा, कल परसों कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेरा भी तो कुछ हो सकता है आज ऐसा बोला बोल के, लेकिन ये बोलने का लायक है, ये बोलने का हक है, बोलना चाहिए। हम आज अकेला निकल के आके बोला, कल आप भी बोलने लगेगा, ये मेरा एक जनता से भी रिक्वेस्ट है, पार्टी मेंबर से भी रिक्वेस्ट है। तो देखो या सीएम सर का ग्रुप या नंदिता मैडम का ग्रुप या निरंजन सर का ग्रुप ऐसा बोल के बीजेपी नहीं है यहाँ में, हम तो पहले आपको डिक्लेयर कर दिया है, एक पार्टी का मीटिंग बोलने से तीनों का तीनों बैठ जाता है, लेकिन जब फील्ड में जब जाके हम लोग काम करने लग जाता तो उसमें गंडगोल तो आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, वो उसका आदमी है उसको वो बेनिफिट मत दो, उसको ये मत करो, तो ये सिस्टम आ जाता है। We will continue to monitor developments within the BJP and bring you the latest updates as they unfold. Stay tuned to News Bearer from near and far for more on evolving stories.